हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वैष्णव एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी बोर्ड त्रिमासिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न 2022-23 के लिए, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों, मैं आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, विलयन और वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ रासायनिक बलगतिकी, जिसमें आपको लघु उत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक तीसरा दे रखा है दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा अभिक्रिया की दर एवं आणविकता में अंतर। दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपको तीन क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, आरएनए समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक साधारण समानुपाती होता है, लिखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, मैं आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, ये तीसरा चैप्टर है। त्रिमासिक परीक्षा में केवल 4 चैप्टर पूछे जाएंगे, लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद में मैं आपको चारों चैप्टरों की ओटी कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।